हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने करना है ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स। चैप्टर हमारा है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें देखना है कि हमारे पास ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जिसमें कार्बोनिल जो है कार्बोनिल कार्बन जो होती है जिसके साथ कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा होता है वो कार्बोनिल कार्बन है और उसके साथ मिथाइल ग्रुप लगा हो। अगर उसके साथ मिथाइल ग्रुप लगा है तो उसको सोडियम हाइपोहलाइट के साथ रिएक्शन करवा के हमें क्लोरोफॉर्म मिलेगी। अगर तो हमें क्लोरोफॉर्म मिलती है तो इसका मतलब है उसमें ग्रुप प्रेजेंट है। वो कौन सा ग्रुप है जिसमें मिथाइल कीटोन प्रेजेंट होगा, मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट होगा। व्हाट इज अ मिथाइल कीटो ग्रुप? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट दैट। कंपाउंड हैविंग दिस ग्रुप इज कॉल्ड मिथाइल कीटोन, क्योंकि CH3 जो है वो C डबल बॉन्ड O के साथ लगा हुआ है। मिथाइल ग्रुप है जो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ लगा हुआ है। सो कार्बोनिल ग्रुप हमारे पास कौन सा है? C डबल बॉन्ड O। तो दूसरी साइड कुछ भी हो सकता है, मे बी एनी R। सो R तो इसको हमने रिएक्शन करवानी है सोडियम हाइपोहलाइट के साथ। जब इसको सोडियम हाइपोहलाइट के साथ रिएक्शन करवाएंगे देन वी विल गेट द कार्बोक्सिलेट सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन। तो जिसके साथ रिएक्शन करवाएंगे वही हमें मिलेगा। So this group will get converted into the carboxylate group. This group will get converted into the carboxylate group. So ये जो हमारे पास बना है this is the sodium salt of carboxylate ion. इसमें एक और हमारे पास खासियत है, वो क्या है कि इसमें क्लोरोफॉर्म बनेगी। देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। अगर ये सीएल होगा तो यहाँ क्लोरोफॉर्म मिलेगी हमें, ठीक है। सो दिस रिएक्शन इज यूज टू कन्फर्म द मिथाइल कीटोन। कौन सा ग्रुप हमने करना है? मिथाइल कीटोन ग्रुप कंफर्म करने के लिए होता है। मिथाइल कीटोन ग्रुप गेट कन्वर्टेड इनटू द कार्बोक्सिलेट आयन एंड क्लोरोफॉर्म। एंड सेकेंड हमारा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? क्लोरोफॉर्म साथ में बन जाएगा। सो दिस रिएक्शन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन विच इज गेट कन्वर्टेड इन टू द क्लोरोफॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, सो सोडियम हाइपोहलाइट कैन बी यूज्ड to form the carboxylate ion and chloroform. So this reaction confirm the presence of the methyl keto group in the ketone. So just note this, we can use the another compound which is called sodium hypoiodide can also be used at the place of sodium hypochloride. Iodide can also be used. Then there will be the formation of a iodoform. Then there will be the formation of a iodoform.
इफ वी यूज सोडियम हाइपोहलाइड. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच.